Morning everyone, I am Deepak Soni, I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is suspension. ठीक है, आज इस टॉपिक में हम लोग सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक सस्पेंशन. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है. तो इन ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड, मींस इन ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम, इन ए नॉन होमोजीनियस, इन ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, लाइक सॉलिड सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड. ठीक है, मीन्स इन ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड. सॉलिड जो होते हैं अगर उसको हम लोग लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं तो दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन. सो ठीक है, डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन. ठीक है, तो यहां सिंपल सी है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हम लोग सॉलिड को जब डिस्पर्स कर देते हैं लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन. फिर ए सस्पेंशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर. जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, इज ए हीट्रोजीनियस सिस्टम विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन, मतलब ये कैसा होता है कि होमोजीनियस सिस्टम होता है. ठीक है, ठीक है, मीन्स क्या होते हैं हमारे जो सस्पेंशन होते हैं वो हीट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं और इन मिक्सचर इन दोस पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. मींस इसमें क्या होता है, जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सिस्टम इसमें. ठीक है, अब पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल बाय द नेक आईज. हम लोग पार्टिकल ऑफ जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग विजिबल कर सकते हैं नेक आईज की हेल्प से, उसको हम लोग देख सकते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, अब सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. तो नंबर वन, सस्पेंशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर. सस्पेंशन जो होते हैं वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. ठीक है, याद रखना सस्पेंशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक आईज. जो सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं उनको हम लोग नेक आईज की हेल्प से देख सकते हैं. उसके बाद द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट. जब भी किसी बीम ऑफ लाइट को हम लोग सस्पेंशन पार्टिकल से पास करते हैं या सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है या हीट्रोजीनियस मिक्सचर है उससे पास करते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसको ये एक विजिबल पाथ शो करते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अंडर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. मींस अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं अगर वो सेटल हो जाते हैं या फिर सेटल डाउन एट द बॉटम इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. मीन्स हम क्या करते हैं, जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं थ्रू आउट द हीट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि सस्पेंशन क्या होता है. तो सिंपल सी बात है, सॉलिड को जब डिस्पर्स कर देते हैं लिक्विड में उसको सस्पेंशन बोलते हैं और सस्पेंशन हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सस्पेंशन के पार्टिकल को हम लोग नेक आईज से देख सकते हैं और जब भी किसी बीम ऑफ लाइट को मिक्सचर को बीम ऑफ लाइट को जब भी किसी सस्पेंशन सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है कोलोइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है
कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कोलोइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो द मिक्सचर ऑब्टेन इज कॉल्ड कोलोइडियल और कोलोइडियल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइड्स के पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कोलोइडियल वो क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल के साइज जो होते हैं वो स्मॉलर साइज में होते हैं ड्यू टू एज कम्पेयर डेप्थ ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन से भी क्या हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली कोलोइडियल सोल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स जो कोलोइडियल सोल्यूशन है, कोलोइडल सोल्यूशन इज ऑल्सो ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जांपल मिल्क, ठीक है। एग्जांपल जो होगा वो मिल्क हो जाएगा, किसका एग्जांपल, कोलोइडियल सॉल्यूशन का। उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडियल पार्टिकल वी कैन नॉट सी बाय नेक आई, मीन्स कोलोइडियल साइज का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसलिए हम उसको नेक आई की हेल्प से नहीं देख सकते। द पार्टिकल कैन बी सीन बाय स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, तो इसको विजिबल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। फिर टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट टिंडल हु डिस्कवर द इफेक्ट। तो साइंटिस्ट था उसने किसको इफेक्ट को डिस्कवर किया, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अगर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कैन ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिंग एंटर टू अ रूम ए स्मॉल होल। जब किसी क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट जो भी अगर किसी भी रूम से हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है, दिस हैपेंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक, मींस जो एयर में डस्ट और जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या जो स्मोक में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है, जो बीम ऑफ लाइट हम लोग क्या क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट जब भी स्कैटर्ड हो जाती है थ्रू द सॉल्यूशन, तो दीज आर कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जब भी किसी भी लाइट का अगर स्कैटरिंग हो जाता है थ्रू द सॉल्यूशन और थ्रू एनी मीडियम, सो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कोलोइड्स की, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैन कॉपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जब भी किसी डेंस फॉरेस्ट से लाइट को पास करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, और लाइट जब भी स्कैटर्ड हो जाती है उसको क्या बोल देते हैं, टिंडल इफेक्ट। मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जब भी क्या होता है मिस्ट के अंदर टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ही लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। अब कोलोइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलोइड्स जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्ट ऑफ कोलोइडियल इज टू स्मॉल, कोलोइड्स के जो भी पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर, बीम ऑफ लाइट को बिग इनफ टू स्कैटर, और दे डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोलोइड्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडेज क्लास इनफ फॉर टुडेज क्लास, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।